हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम आपको पेट्रोल पंप अकाउंटिंग के बारे में बताएंगे कि पेट्रोल पंप अकाउंटिंग क्या होती है, इसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है और टैली सॉफ्टवेयर में इसकी अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस हम आपको डिटेल में बताएंगे। टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी को क्रिएट करने से लेके पेट्रोल पंप अकाउंटिंग की सेल परचेज कैसे की जाती है, कैसे उसकी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा जाता है और जीएसटी की रिपोर्ट्स में इसका क्या इफेक्ट आता है, ये पूरा प्रोसेस हम आपको डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले पेट्रोल पंप अकाउंटिंग को करने से पहले हम देखते हैं कि जो हमारी पेट्रोल पंप अकाउंटिंग होती है इसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप अकाउंटिंग होती क्या है, तो यह हमारा एक तरीके का फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर अलग अलग तरह की ऑयल कंपनीज लोगों को अपनी डीलरशिप और अपनी फ्रेंचाइजी देती है, जिससे वो लोग उन कंपनी के नाम का पेट्रोल पंप खोल सकते हैं और वहाँ पे उन कंपनीज के प्रोडक्ट वगैरह को सेल करते हैं। आपने कहीं जगह पे कुछ मशहूर कंपनियों के पेट्रोल पंप देखे होंगे, जैसे भारत पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड और साथ ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये सारी अलग अलग तरह की ऑयल कंपनीज हैं जो लोगों को अपनी डीलरशिप, अपनी फ्रेंचाइजी देती हैं और वो लोग इनकी फ्रेंचाइजी के साथ, इनकी डीलरशिप के साथ अपने अलग अलग पेट्रोल पंप खोल देते हैं और वहाँ पे वो इन सभी कंपनी के प्रोडक्ट्स वगैरह, इनके पेट्रोल, इनके लुब्रिकेंट वगैरह वहाँ पे सेल करते हैं। तो ये होता है पेट्रोल पंप अकाउंटिंग का मॉडल। पूरी पेट्रोल पंप अकाउंटिंग हमारी फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल होती है, एक तरीके का ट्रेडिंग बिजनेस होती है जहाँ पर ऑयल की अलग अलग कंपनीज होती हैं जो अपनी फ्रेंचाइजी, अपनी डीलरशिप लोगों को दे देती हैं और वो लोग अपने पेट्रोल पंप वहाँ पे ओपन कर लेते हैं इनके नेम के साथ, इनकी फ्रेंचाइजी के साथ और इन सारी कंपनी के प्रोडक्ट, इनका पेट्रोल वगैरह वहाँ पे सेल किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पेट्रोल पंप अकाउंटिंग के अंदर सेल परचेस किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी परचेस करते हैं और परचेस हम ऑयल कंपनी के थ्रू करते हैं। पेट्रोल, डीजल और लुब्रिकेंट्स वगैरह, ये तीनों चीज़ें हम परचेस कर सकते हैं। कहीं पेट्रोल पंप में सिर्फ पेट्रोल और डीजल प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन कहीं जगह पे वो लुब्रिकेंट्स वगैरह भी सेल करते हैं और इसे परचेस करने के बाद सिंपल हमें इसे सेल करना होता है। और सेल हम इसे तीन तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला कैश सेल्स, अगर कोई भी पर्सन पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने आता है, सिंपल वो कैश देता है और पेट्रोल पंप भरवा लेता है। सेकंड तरीका होता है कार्ड पेमेंट, काफ़ी सारे लोग कार्ड के थ्रू भी पेमेंट करते हैं और काफ़ी सारे लोग अलग अलग तरह की ऑनलाइन मोड से पेमेंट करते हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, भीम यूपीआई, इन सब का इस्तेमाल करते हुए पेमेंट करते हैं। और काफ़ी सारे लोग क्रेडिट सेल भी करते हैं। अब क्रेडिट सेल का क्या मतलब होता है, तो पेट्रोल पंप में काफ़ी सारे हमारी ऐसी पार्टीज़ होती हैं, हमारे काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनका रोज़ का पेट्रोल का वहाँ से कंज्यूम होता है। यानी एग्जांपल के लिए उनके ट्रक्स वगैरह होते हैं, उनको कुछ ऐसे व्हीकल होते हैं जो रेगुलर बेस पे पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते हैं और मंथ के एंड में कंपनी के थ्रू उनकी पेमेंट कर दी जाती है। यानी वो रेगुलर बेस पे पेट्रोल भरवा लेते हैं और उनकी पेमेंट एक साथ की जाती है, तो उसे कहा जाता है क्रेडिट सेल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम परचेस करते हैं ऑयल कंपनी से, सिंपल उसको तीन अलग अलग तरीके से सेल कर देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पेट्रोल पंप अकाउंटिंग के अंदर हमारा टैक्स किस तरीके से वर्क करता है। अब यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा पेट्रोल और डीजल होता है इसके अंदर हमारा किसी भी तरह का जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। इसको नॉन जीएसटी कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है, इस पर हमारा कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। क्योंकि पेट्रोल और डीजल पे हमारा जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, तो यहाँ पे हम अपना आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं ले सकते। अगर किसी तरीके का जीएसटी ही नहीं होगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं होगा। अब दूसरी तरफ कई पेट्रोल पंप में हमारा पेट्रोल और डीजल के अलावा लुब्रिकेंट वगैरह भी सेल किया जाता है। अगर पेट्रोल और डीजल के अलावा लुब्रिकेंट सेल किए जाते हैं तो लुब्रिकेंट पे हमारा जीएसटी एप्लीकेबल होता है और 18% का टैक्स इस पे लगता है, जो 99% हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड हो जाता है। क्योंकि लुब्रिकेंट में हमारा जीएसटी एप्लीकेबल है तो यहाँ पे हम आईटीसी भी अवेल कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी यहाँ पे हम ले सकते हैं और इसको हमें अपनी जीएसटी की रिटर्न्स वगैरह में भी दिखाना होगा। और दूसरा जो हमारा पेट्रोल और डीजल है टैली सॉफ्टवेयर में, इसको भी हमें नॉन जीएसटी आइटम्स के अंदर दिखाना होता और इसका प्रॉपर रिटर्न के अंदर इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि पेट्रोल पंप अकाउंटिंग क्या होती है, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कैसे सेल परचेज की जाती है और इस पर किस तरीके से जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो आइए ये पूरा प्रोसेस हम आपको टैली सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं। टैली सॉफ्टवेयर में एक फ्रेश कंपनी को बनाने से लेके प्रॉपर इसकी सेल परचेज की एंट्री करके देखते हैं। तो आइए सिंपल हम अपने टैली सॉफ्टवेयर पर चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए,
जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको पेट्रोल पंप अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस डिटेल में बताएंगे कि कैसे टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी को क्रिएट किया जाता है, कौन से लेजर्स क्रिएट किए जाते हैं, सेल परचेज कैसे की जाती है और जीएसटी की रिपोर्ट में उसका क्या इफेक्ट आता है। ये सारा प्रोसेस हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक नई कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं और कंपनी को क्रिएट करने के लिए आप कंपनी इन्फो पर रहते हुए यहाँ से क्रिएट कंपनी पर आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है सी। और यहाँ पे पेट्रोल पंप अकाउंटिंग से रिलेटेड एक नई कंपनी को बना लाते हैं। देन यहाँ पे इसका एड्रेस डाल देते हैं, कंट्री में इंडिया लेते हुए स्टेट में हम यहाँ पे दिल्ली डाल देते हैं। देन इसका पिन कोड डाल देते हैं और यहाँ पे अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल डालना चाहे जैसे फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, तो ये सब आप डाल सकते हैं। इन सब को ब्लैंक छोड़ते हुए यहाँ से हम इस कंपनी को एक्सेप्ट करा देते हैं कंट्रोल ए से। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें इस कंपनी के अंदर अपनी जीएसटी की डिटेल्स को इनेबल करना होगा। तो उसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F11 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप कंपनी फीचर में आ जाएंगे और कंपनी फीचर में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F3 की प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसे यस कर दीजिए। देन इसके नीचे वाला ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको भी यस कर दीजिए। इसको यस करते हुए आपके सामने जीएसटी डिटेल की विंडो आ जाएगी और अपने जीएसटी नंबर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डालते हुए इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे पहले स्टेप के अंदर हमने कंपनी को क्रिएट किया, उसके अंदर जीएसटी की डिटेल्स को इनेबल किया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे हमें अपने कुछ लेजर्स को क्रिएट करना होगा जो हमारी पेट्रोल पंप अकाउंटेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे लेजर्स को क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अकाउंट्स इन्फो पे आ जाइए, शॉर्टकट की ए। देन यहाँ से लेजर्स में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की एल, और नए लेजर को क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। अब सबसे पहला लेजर हम यहाँ पे परचेज का बनाएंगे, क्योंकि हम पेट्रोल डीजल सबसे पहले हम परचेज करेंगे, तो यहाँ पे हम परचेज का लेजर बना लेते हैं। अंडर ये हमारे परचेज ग्रुप के आएगा और यहाँ पे जीएसटी इस पे एप्लीकेबल रखते हुए यहाँ पे सिंपल इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। अब नेक्स्ट लेजर हमारा ऑयल कंपनी का है, क्योंकि जिससे हम पेट्रोल परचेज करेंगे उसका लेजर भी हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरह की ऑयल्स की कंपनी होती है जो अपनी डीलरशिप, अपनी फ्रेंचाइजी देती है, जो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। उसमें से एक एग्जाम्पल लेते हुए हम यहाँ पे भारत पेट्रोलियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यह हमारे सिंडिकेटर के आएगा, क्योंकि इनसे हम परचेज कर रहे हैं। और यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल को यस कर दीजिए और यहाँ पे इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डालते हुए इसका जीएसटी नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे सेट अल्ट्रा चेज डिटेल इसको यस कर दीजिए और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हुए इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे हम अपने सारे रिलेटेड लेजर बना चुके हैं। एक और लेजर यहाँ पे हम बनाते हैं, वो हमारा बैंक अकाउंट, क्योंकि जो हमारी पेमेंट जाएगी और पेमेंट रिसीव होगी तो उसके लिए हमें एक बैंक अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम अपने कोटक बैंक का अकाउंट बना लेते हैं। अंडर ये हमारे बैंक अकाउंट के आएगा और अपनी बैंक की सारी डिटेल इसमें डालते हुए अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच वगैरह डालते हुए इसको कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। तो सारे रिलेटेड लेजर हम बना चुके हैं, यहाँ से आप डिस्प्ले में आके देख सकते हैं। एक हमने ऑयल कंपनी का लेजर बनाया, एक हमने बैंक का लेजर बनाया और एक हमने परचेज का लेजर बनाया। अगर आगे किसी और लेजर की जरूरत पड़ती है तो डायरेक्ट वही से हम क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे बेसिक लेजर हैं वो यही हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे हमें स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करना होगा। तो स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए इन्वेंटरी इन्फो पे आ जाइए, शॉर्टकट की आई। देन ऐसे स्टॉक आइटम में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की आई, और नई स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। तो जो हमारी सबसे पहली स्टॉक आइटम है वो हमारी पेट्रोल है, क्योंकि हम पेट्रोल वगैरह सेल परचेज करेंगे, तो यहाँ पे हम पेट्रोल बना लेते हैं। अब अंडर इसकी यूनिट, तो नई यूनिट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ओल्ड प्लस सी। अब जो हमारा पेट्रोल है इसको हम लीटर के अंदर मेजर करते हैं, तो यहाँ पे हम लीटर की एक यूनिट बना लेते हैं। यहाँ पे इसको किलो लीटर के अंदर ले लेंगे और सिंपल इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। अब यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रखते हुए सेट अल्ट्रेस डिजिटल इसको यस कर दीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे आपको शो हो रहा है इज नॉन जीएसटी गुड्स, क्योंकि हमने आपको बताया था पेट्रोल और डीजल को जीएसटी से बाहर रखा गया, इसमें किसी भी तरह का जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहाँ पे हमें इसे इज नॉन जीएसटी गुड्स के अंदर देना होगा। सबसे पहले हमें इसकी डिस्क्रिप्शन डालनी होगी कि ये क्या है। तो यहाँ पे हमारा पेट्रोल है, यहाँ पे नॉन जीएसटी गुड्स। अगर आपके स्क्रीन पे ये शो नहीं हो रहा तो इसको लाने के लिए जीएसटी डिटेल वाली स्क्रीन पे रहते हुए आप अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए और यहाँ से इस ऑप्शन को यस कर दीजिए जिसपे लिखा हुआ है सेट टाइप ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे आप इसको यस कर दीजिए। इसे यस करने के बाद ये ऑप्शन आपको बाहर शो हो जाएगा इस नॉन जीएसटी गुड्स और इसको कर दीजिए यस।
इसे यस करने के बाद बाकी सारी डिटेल हमारी हट जाएंगी और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। अब नेक्स्ट स्टॉप आइटम है हमारी डीजल, तो यहाँ पे हम डीजल का बना लेते हैं, ये भी हमारे लीटर के अंदर ही काउंट होगा। और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रखते हुए सेल टेरिटरी जीएसटी डिटेल इसको यस कर दीजिए। और सेम यहाँ पे इसका भी हम डाल देंगे इज नॉन जीएसटी गुड्स, क्योंकि इन दोनों पे हमारा जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता। अब जो तीसरी और आखिरी स्टॉक आइटम हमारी लुब्रिकेंट, तो यहाँ पे हम अपने पेट्रोल पंप के अंदर लुब्रिकेंट वगैरह भी सेल करते हैं। लुब्रिकेंट हमारे अलग अलग तरह के हो सकते हैं, ग्रीस ऑयल वगैरह, तो इन सबको हमने एक ही कैटेगरी के अंदर डाल दिया। आप चाहें तो उसको अलग अलग भी डाल सकते हैं। लुब्रिकेंट्स यहाँ पे इसको भी हम लीटर के अंदर ले लेते हैं और जीएसटी एप्लीकेबल रखते हुए सेट अल्टर जीएसटी लीटर को यस कर दीजिए। और लुब्रिकेंट के ऊपर हमारा जीएसटी एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पे हमें इसके अंदर टैक्स रेट भी डालना होगा। सबसे पहले इसकी डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, देन यहाँ पे इसका एचएसएन कोड डाल देते हैं। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लेते हुए यहाँ पे 18% का टैक्स रेट डाल देते हैं, जिसपे 99% का हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। और बाद में इसका आईटीसी भी हम ले सकते हैं और सिंपल इसको टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए एक्सेप्ट करा दीजिए। तो सारी रिलेटेड स्टॉक आइटम्स भी हम बना चुके हैं, अब इसको यहाँ पे डिस्प्ले में आके देख सकते हैं, तीनों स्टॉक आइटम हमें यहाँ पे शो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें इसके अंदर गोडाउन वगैरह को क्रिएट करना होगा, क्योंकि जो हमारा पेट्रोल आता है उनको हम अलग अलग टैंक्स के अंदर रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक टैंक है हमारा जिसके अंदर हमारा पेट्रोल है, दूसरा टैंक है जिसके अंदर हमारा डीजल है, जिसको हम काफ़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि किस टैंक में हमारा पेट्रोल है, किस टैंक में हमारा डीजल है। तो इसकी अकाउंटिंग को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए हमें इसके अंदर टैंक्स वगैरह भी क्रिएट करने होंगे, और टैंक्स हमारे इस केस में गोडाउन होंगे। तो आइए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें टैली सॉफ्टवेयर में अपने एक फीचर को इनेबल करना होगा। उसे इनेबल करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए F11 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप कंपनी फीचर में आ जाएंगे। और कंपनी फीचर में रहते हुए इन्वेंट्री फीचर में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है F2। इन्वेंट्री फीचर के अंदर यहाँ पे स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के अंदर आपको एक ऑप्शन शो होगा, जिस पे लिखा हुआ है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इसको कर दीजिए यस। इसे यस करने के बाद इस पूरी स्क्रीन को कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे हम अपने गोडाउन वाले फीचर को इनेबल कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें गोडाउन को क्रिएट करना है, तो किस तरीके से करेंगे। गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए इन्वेंट्री इन्फो पे आ जाइए, शॉर्टकट की I, देन यहाँ से गोडाउन में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की D, और यहाँ से नए गोडाउन को क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला गोडाउन है वो होगा हमारा टैंक 1, इसको प्राइमरी रखते हुए एक्सेप्ट करा दीजिए। सेकंड हमारा होगा टैंक 2, और यहाँ पे एक नया एक्स्ट्रा हम बना के रख लेते हैं टैंक 3। तो यहाँ पे तीन अलग अलग तरह के हमारे टैंक होंगे। अगर हमारा कोई पेट्रोल आता तो उसको हम अलग टैंक में रखेंगे, अगर डीजल आता है अलग टैंक में रखेंगे, और यहाँ पे अगर लुब्रिकेंट्स वगैरह होते हैं तो उसको हम अलग टैंक के अंदर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के हमारे गोडाउन हो गए। तो यहाँ पे सारे के सारा स्टॉक आइटम्स, लेजर्स, टैंक्स वगैरह सब हम क्रिएट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम आपको सेल परचेज की एंट्री करके दिखाते हैं कि कैसे इसे परचेज किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है, कैसे जीएसटी एप्लीकेबल होता है, जीएसटी की रिपोर्ट्स में इसके इफेक्ट कैसे देखते हैं। तो अब यहाँ पर सेल और परचेज की एंट्री करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए यहाँ पे ट्रांजेक्शन वाले सेशन में अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट KV, और अकाउंटिंग वाउचर्स में रहते हुए आप अपने कीबोर्ड से F9 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप परचेज के वाउचर में आ जाएंगे। क्योंकि सबसे पहली एंट्री हमें परचेज के वाउचर में करनी होगी, जितना भी हमारा पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेंट्स है, इनको हमें पहले परचेज करना होगा, देन बाद में हम इसको सेल करेंगे। तो परचेज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, उसके बाद पार्टीज अकाउंट नेम। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा परचेज का वाउचर है, यह हमारा एज ए अकाउंटिंग मोड में ओपन है, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर शो रहा है। इसको अकाउंटिंग मोड से हटा के सबसे पहले हमें इसे आइटम इनवॉइस मोड के अंदर करना होगा। तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से ओल्ड प्लस आई टैप कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे आइटम इनवॉइस लिख दीजिए, जिससे आप देखेंगे यहाँ पे आपको नेम ऑफ आइटम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसे एज ए स्टॉक आइटम एक एंट्री कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर हमने डाल दिया, पार्टीज अकाउंट नेम। तो पार्टीज अकाउंट नेम यहाँ पे हम उस ऑयल कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे हम ऑयल वगैरह परचेज कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे भारत पेट्रोलियम हमने बना लिया था। उसके बाद परचेज, तो परचेज का लेजर हमने यहाँ पे पहले से बनाया हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में हमें लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में तीन तरीके के यहाँ पे स्टॉक आइटम शो रही है, एक हमारा डीजल, एक लुब्रिकेंट और एक हमारा पेट्रोल। तो इन तीनों को हम यहाँ पे कर लेते हैं परचेज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन दोनों को परचेज करते हैं, जो हमारी नॉन जीएसटी, यहाँ पे हम डीजल को करते हैं सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है गोडाउन, यानी आपने जो हमारा डीजल है इसको आपको टैंक 1 में रखना है, टैंक 2 में रखना है, टैंक 3 में रखना है। तो एग्जांपल के लिए हम इसे टैंक 1 में रख देते हैं। उसके बाद क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में यहाँ पे लिख देते हैं 1000 लीटर। देन यहाँ पे हम इसका रेट डाल देते हैं, तो रेट के अंदर यहाँ पे हम इसका डाल देते हैं 60, अमाउंट ऑटोमेटिक हो गया 60,000। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम दूसरी एंट्री भी कर लेते हैं, और दूसरी एंट्री यहाँ पे कर लेते हैं पेट्रोल की। तो पेट्रोल यहाँ पे हम रखेंगे गोडाउन नंबर 2 के अंदर, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी भी हम रख देते हैं 1000 लीटर, और यहाँ इसका प्राइस है, प्राइस हम रख देते हैं 69।
और ऑटोमेटिक यहाँ पे 69,000 हो चुका है। तो यहाँ पे इन दोनों को हमने कर लिया परचेज। अगर आप इसकी टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से ओल्ट प्लस ए टाइप कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे टैक्स एनालिसिस पे क्लिक कर दीजिए और इसको डिटेल में देखने के लिए ओल्ट प्लस F1। तो आप देखेंगे इसमें किसी भी तरह का हमारा GST एप्लीकेबल नहीं हो रहा है क्योंकि पेट्रोल और डीजल हमारा नॉन GST होती है। तो सिंपल यहाँ पे इस एंट्री को करा दीजिए एक्सेप्ट। अब दूसरी परचेज की एंट्री के लिए हम लुब्रिकेंट्स वगैरह परचेज कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर हम नेक्स्ट डालते हैं 101, पार्टी अकाउंट नेम दोबारा से भारत पेट्रोलियम, परचेस लेजर और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में कर देते हैं लुब्रिकेंट। तो आप देखेंगे जो हमारा डीजल और पेट्रोल है यहाँ पे 1000 लीटर का स्टॉक आ चुका है। लुब्रिकेंट्स यहाँ पे डाल देते हैं। लुब्रिकेंट्स को हम एक नया गोडाउन बना लेते हैं। नया गोडाउन बनाने के लिए अपने कीबोर्ड से ओल्ड प्लस सी टाइप कर दीजिए, आप डायरेक्ट यहाँ पे गोडाउन क्रिएशन वाले विंडो पर आ जाएंगे और जो हमारा लुब्रिकेंट है इसको हम रखेंगे ऑफिस में। तो ये हमारा एक ऑफिस का गोडाउन बन गया और जो इसकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे इसमें लग जाते हैं 500 लीटर। देन यहाँ पे जो इसका रेट है, रेट हम यहाँ पे डाल देते हैं 200 और यहाँ पे हमारा GST लगेगा। तो यहाँ पे हम अपने टैक्स के लेजर को भी क्रिएट कर लेते हैं। टैक्स के लेजर को क्रिएट करने के लिए दोबारा से ओल्ड प्लस सी। तो सबसे पहला हमारा CGST @9%, क्योंकि 18% का टैक्स है, 99% हमारा CGST में डिवाइड हो जाएगा। जो अंडर ये हमारे ड्यूटी इन टैक्सेस का आएगा और टाइप ऑफ ड्यूटी इन टैक्सेस में GST हो जाएगा क्योंकि CGST है तो हमारा सेंट्रल टैक्स हो गया और इसको कंट्रोल ऐसे सब करा दीजिए और ऑटोमेटिक आप देखेंगे यहाँ पे हमारा 9% का CGST कैलकुलेट हो चुका है 9000। सेम इसी तरीके से SGST ओल्ड प्लस सी, SGST @9%, ड्यूटी इन टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी इन टैक्सेस GST हो गया, SGST है तो ये हमारा स्टेट टैक्स हो गया और सिंपल इसको भी चेक करा दीजिए। तो आप देखेंगे सक्सेसफुली हमारा टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। अगर आप इसकी टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए ओल्ड प्लस ए टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पे डिटेल में देखने के लिए ओल्ड प्लस F1। तो आप देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली हमें दिखा रहा है जो हमारी टैक्सेबल है वो 1,00,000 है, उसमें 99% का हमारा CGST कैलकुलेट हो चुका है और यही सेम अमाउंट हमारा बाहर भी शो हो रहा है और इस एंट्री को करा दीजिए एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हम अपने पेट्रोल, डीजल और लुब्रिकेंट्स को परचेज कर चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी स्टॉक समरी देखते हैं कि स्टॉक समरी में किस तरीके से आ रहा है। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टेरी में रहते हुए यहाँ से स्टॉक समरी में आ जाइए, शॉर्टकट की S। तो स्टॉक समरी में हम देखेंगे तीनों के तीनों स्टॉक हमारे आ चुके हैं। डीजल हमारा आ चुका है 1000 लीटर, लुब्रिकेंट्स आ चुका है और पेट्रोल आ चुका है 1000 लीटर। अगर आप देखना चाहते हैं कौन सा सामान कौन सा गोडाउन में है तो आप इसी स्क्रीन पर रहते हुए अपने कीबोर्ड से F9 की प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने इन्वेंटरी रिपोर्ट आ गया। इन्वेंटरी रिपोर्ट में सबसे पहले आप गोडाउन समरी को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको बताएगा जो आपका ऑफिस गोडाउन है वहाँ पे आपका 500 लीटर सामान है, जो हमारा टैंक वन है वहाँ पे 1000 लीटर, टैंक टू है 1000 लीटर। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये क्या क्या सामान है तो सिंपल एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आपको बताएगा जो हमारा 500 लीटर लुब्रिकेंट्स है, टैंक टू के अंदर जो हमारा 1,00,000 लीटर है वो हमारा पेट्रोल है। तो इस तरीके से आप गोडाउन के स्टेटस को भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें यहाँ पे अपनी सेल की एंट्री करनी होगी। हम अपनी कैश सेल भी करेंगे, क्रेडिट सेल भी करेंगे और ऑनलाइन पेमेंट मोड होता है उसके थ्रू भी हम पेमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। तो वही देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए यहाँ से दोबारा से ट्रांजेक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर में आ जाइए, शॉर्टकट के V। देन यहाँ पे सेल के वाउचर में एंट्री करने के लिए अपने कीबोर्ड से F8 की प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आप सेल के वाउचर में आ जाएंगे। अब सबसे पहले रेफरेंस नंबर, तो यहाँ पे हम रेफरेंस नंबर ले लेते हैं। पार्टीज अकाउंट नेम, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्रेडिट सेल करेंगे। तो क्रेडिट सेल के लिए हम एक नई पार्टी को क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हमारी शॉर्टकट की होती है ओल्ड प्लस सी। ओल्ड प्लस सी की मदद से आप अपनी कोई भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं, गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं, यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट कर सकते हैं। इन सब की शॉर्टकट की हमारी ओल्ड प्लस सी होती है। तो सिंपल यहाँ पे हम लेजर क्रिएशन की विंडो में आ चुके हैं और एक हम यहाँ पे पार्टी बना लेते हैं ABC Limited। अंडर इसको हम अपने संडी डेटर के अंदर रख लेते हैं। मेंटेन बिल एबिलिटी को यस कर देते हैं। देन यहाँ पे इसकी सारी डिटेल डालते हुए इसका पिन कोड डाल देते हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर रेगुलर रखते हुए जो उसका GST नंबर है वो यहाँ पे हम फाइल कर देते हैं और जो हमारा सेल अल्टर GST डिटेल है इसको हम यहाँ से यस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी पार्टी का लेजर बना चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल का लेजर। तो यहाँ पे हम अपना सेल का लेजर बना लेते हैं। तो सेल का लेजर बनाने के लिए दोबारा से ओल्ड प्लस ही और यहाँ पे हम अपना सेल का एक लेजर बना लेते हैं। अंडर ये हमारे सेल्स अकाउंट क्या आएगा और इसको GST के एप्लीकेबल रखते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए इसको भी यहाँ से एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे सेल का लेजर हमारा आ चुका है। अब नेम ऑफ आइटम के अंदर हम यहाँ पे क्या सेल कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डीजल सेल कर रहे हैं। तो डीजल हमारा गोडाउन कौन से के अंदर है, यहाँ पे सक्सेसफुली हमें दिखा रहा है गोडाउन वन में है, तो गोडाउन वन को सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे हम डाल देते हैं 200 लीटर और जो इसका रेट है, रेट हम यहाँ पे इसका डाल देते हैं 65। सेम इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम यहाँ पे पेट्रोल करेंगे। पेट्रोल हमारा कौन सा गोडाउन में, गोडाउन टू में, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो इसकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी हम कर देते हैं 300 और जो इसका रेट है, रेट हम यहाँ पे डाल देते हैं 74।
अब यहाँ पे हमारा किसी भी तरह का टैक्स तो कैलकुलेट होगा नहीं, तो सिंपल हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करा देते हैं। तो अगर आप इस एंट्री का प्रिंट देखना चाहते हैं, इनवॉइस देखना चाहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। इस एंट्री को दोबारा लाने के लिए अपने कीबोर्ड से पेज अप की टैप कर दीजिए, लास्ट एंट्री आपकी आ जाती है। प्रिंट करने के लिए ओल्ड प्लस पी टैप कर दीजिए और उसका प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ पे विद प्रीव्यू करते हुए एंटर प्रेस कर दीजिए और जूम करने के लिए ओल्ड प्लस जेड कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली हमें इसका पूरा प्रिंट दिखा रहा है और नीचे की तरफ आपको प्रॉपर सारा दिखा रहा है कि कितना अमाउंट है और यहाँ पे किसी भी तरह का हमारा टैक्स वगैरह कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर सेल की हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि आप किस तरीके से क्रेडिट सेल कर सकते हैं पेट्रोल और डीजल को। नेक्स्ट हम यहाँ पे लुब्रिकेंट सेल करके दिखाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप रेफरेंस नंबर डाल दीजिए, देन यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम दोबारा से हम एबीसी लिमिटेड ले लेते हैं। उसके बाद सेल लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं और नेम ऑफ आइटम के अंदर यहाँ पे इस बार हम सेलेक्ट कर लेंगे लुब्रिकेंट। तो यहाँ पे लुब्रिकेंट हमारे कौन से गोडाउन के अंदर है, तो ये हमारे ऑफिस के अंदर है और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी डाल देते हैं 100 लीटर, देन यहाँ पे प्राइस डाल देते हैं 250। और क्योंकि ये हमारा GST एप्लीकेबल है तो यहाँ पे हमारा टैक्स भी लगेगा, तो यहाँ पे हम टैक्स लगा देते हैं CGST 9%, SGST 9%। तो सिंपल इसको यहाँ से हम करा देते हैं एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हम दो सेल की एंट्री कर चुके हैं, एक हमने आपको क्रेडिट सेल दिखाया, एक हमने आपको लुब्रिकेंट सेल करके दिखाया। अब थर्ड हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम कैश सेल करेंगे, क्योंकि काफी सारे लोग पेट्रोल पंप पर आते हैं जो कैश देके पेट्रोल पंप भरवा लेते हैं, तो वो हमारी कैश सेल के अंदर आता है। तो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हम रेफरेंस नंबर डाल देते हैं, उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम में सिंपल हम यहाँ पे कैश को कर दीजिए सेलेक्ट और यहाँ पे सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद जो हमारा नेम ऑफ आइटम है, यहाँ से हम ले लेते हैं डीजल, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कौन से गोडाउन के अंदर है यानी कौन से टैंक के अंदर है, तो यहाँ से हम इसमें डाल देते हैं 1 लीटर ले लेते हैं, रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम पेट्रोल ले लेते हैं, ये हमारे कौन से टैंक में है, तो यहाँ से हमने डाल दिया। और सेम इसी तरीके से इसकी क्वांटिटी भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। और क्योंकि इस पे हमारा टैक्स कैलकुलेट नहीं होता, तो सिंपल इस एंट्री को हम करा देंगे एक्सेप्ट। अब नेक्स्ट, काफी सारे लोग हमारे को डिजिटल के थ्रू भी पेमेंट कर देते हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, भीम UPI, इन सब के थ्रू भी पेमेंट कर देते हैं। तो उसकी एंट्री अब किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे हम उसका भी एक लेजर बना लेंगे। सबसे पहले रेफरेंस नंबर डाल देते हैं, उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पे हम एक नया लेजर बना लेते हैं, तो उसकी शॉर्टकट की हमारी ओल्ड प्लस सी। अब यहाँ पे अगर कोई हमारे को पेटीएम के थ्रू पेमेंट करता तो सिंपल हम उसका बना लेते हैं, लेकिन अगर आप सबका एक कॉमन लेजर बना के रखना चाहते हो तो वो भी बना सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट का। तो सिंपल हम सबका अलग अलग बनाएंगे और एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बना रहे पेटीएम का। अंडर आप इसको अपने बैंक अकाउंट पर रख दीजिए, क्योंकि जो लास्ट में इसका सारा अमाउंट है वो हमारे बैंक में ही होता है। तो सिंपल यहाँ पे बैंक की सारी डिटेल डालते हुए इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं और सेल लेजर हमारा सेम रहेगा। और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, बाकी सारी एंट्री हमारी सेम ही रहेगी, ये हमारे कौन से टैंक में कितने लीटर चाहिए। और सेम इसी तरीके से अगर कोई हमसे पेट्रोल ले रहा है तो सबसे पहले हमारे कौन से टैंक में, देन कितने लीटर चाहिए, और इस एंट्री को कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे हम अपनी सारी सेल की परचेज की एंट्री कर चुके हैं। तो आइए एक बार आपको दोबारा से स्टॉक समरी दिखाते हैं किस तरीके से शो होती है। तो स्टॉक समरी के अंदर आपको सारा का सारा क्लोजिंग बैलेंस यानी क्लोजिंग स्टेटस आ रहा है कि कितना परचेज किया और कितना सेल हो गया और कितना अभी हमारा बचा हुआ है। तो आप देखेंगे डीजल हमारा अभी 797 लीटर पड़ा हुआ है और पेट्रोल हमारा 695 लीटर पड़ा हुआ है। और अगर आप गोडाउन का स्टेटस भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप दोबारा से F9 की प्रेस कर दीजिए और यहाँ से गोडाउन समरी को सेलेक्ट कर लीजिए। और गोडाउन के अंदर भी आपको पूरा डिटेल में दिखा देगा किस गोडाउन में कितना सामान अवेलेबल है। अगर यहाँ से हम GST की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्प्ले में आ जाइए शॉर्टकट के D, देन यहाँ से स्टेटरी रिपोर्ट में आ जाइए शॉर्टकट के O, देन GST में आ जाइए और यहाँ से GSTR1 में आ जाइए। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको सारी एंट्री सक्सेसफुली शो हो गई है। हमने टोटल 4 एंट्री की थी, एक एंट्री हमने GST की थी तो वो हमारी सक्सेसफुली B2B इनवॉइस में आ रही है 25,000 की। अगर हम इसको ओपन करें तो ये हमारी लुब्रिकेंट की एंट्री होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे वो तीनों की तीनों एंट्री हमारी यहाँ पे नॉन GST के अंदर आ रही। तो आप देखेंगे यहाँ पे नॉन GST लिखा हुआ है और नॉन GST में तीनों एंट्री हमारी सक्सेसफुली आ चुकी है और GST में हमारा सारे इफेक्ट सक्सेसफुली आ चुका है। अगर हम GSTR2 देखें तो GSTR2 में भी हमें सक्सेसफुली शो हो जाएगा। जो हमने लुब्रिकेंट परचेज किया था वो हमारा B2B इनवॉइस के अंदर है, इसका हम ITC क्लेम कर सकते हैं। और जो हमने पेट्रोल परचेज किया था वो सारा हमारा नील रेटेड के अंदर है, क्योंकि उसके अंदर हमारा कोई भी टैक्स नहीं लगा था। अगर GSTR3 भी देखें तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा एलिजिबल ITC के अंदर 18,000 का ITC आ रहा है, क्योंकि जो हमने लुब्रिकेंट परचेज किया था उस पर हमने टैक्स वगैरह पे किया था और उसका हम ITC भी क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट के अंदर भी आपको सारे इफेक्ट सक्सेसफुली आ जाएगा, ड्यूटी टैक्सेस आ जाएगा, संडी डेटर आ जाएंगे और बाकी सारे यहाँ पे स्टॉक्स वगैरह भी शो जाएगा और कितना हमारा संडी डेटर है, कितना कैश इन हैंड है, कितना बैंक है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी सारी डिटेल आपको सक्सेसफुली शो हो जाएगी।
अब यहाँ पे हमने सारी की सारी सेल परचेज की एंट्री तो कर ली, लेकिन पेट्रोल पंप अकाउंटिंग में कुछ हमारे कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, उनकी एंट्री भी अभी करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सपेंस होते हैं। हमारे लाइट बिल होता है, टेलीफोन बिल्स होते हैं, स्टाफ के एक्सपेंसेस होते हैं, स्टाफ की सैलरी होती है, और जब हम किसी डीलरशिप का लाइसेंस वगैरह करते हैं तो उसकी लाइसेंस फी वगैरह होती है। ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो हमारे को पेट्रोल पंप अकाउंटिंग में करने होते हैं। तो आइए ये सारे एक्सपेंस की एंट्री हम एक साथ ही आपको करके दिखाते हैं, आप चाहें तो एक एक करके भी कर सकते हैं। तो उसके लिए गेटवर्क टैली में रहते हुए अकाउंटिंग वाउचर में आइए, शॉर्टकट की है वी। तो देन यहाँ से हम पेमेंट के वाउचर को ओपन कर लेते हैं, इसकी शॉर्टकट की F5। ये सारी एंट्री हमारी पेमेंट के वाउचर में होगी, और यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट, तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट को कर लेते हैं सेलेक्ट, और उसके बाद एक एक करके उन सबके लेजर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। इन सब की एंट्री हम एक साथ ही कर देंगे, अगर आप चाहें तो एक एक करके इनकी एंट्री कर सकते हैं। हम आपको समझाने के पर्पज से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एंट्री होती है। तो नया लेजर क्रिएट कर लेते हैं, ऑल्ट प्लस सी। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे लाइट बिल, अंडर ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का आएगा, और यहाँ पे जो हमारा लाइट बिल है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं 20,000। सेम इसी तरीके से हम नेक्स्ट बनाएंगे टेलीफोन बिल, ये भी हमारा इंटरनेट एक्सपेंस का आएगा, और टेलीफोन बिल हमारा एग्जांपल के लिए हो गया 5,000। अब नेक्स्ट हमारा कॉमन होता है स्टाफ एक्सपेंस, ये भी हमारे इंटरनेट एक्सपेंस के अंदर हो गए, और ये हमारे एग्जांपल के लिए हो गए 10,000। नेक्स्ट जो हमारा कॉमन एक्सपेंस होता है वो स्टाफ की सैलरी, ये भी इंटरनेट एक्सपेंस हो गया, और एग्जाम्पल के लिए स्टाफ की सैलरी हो गया हमारा 1,00,000। अब नेक्स्ट हमारा एक्सपेंस हो गया लाइसेंस फीस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, और यहाँ पे हमने इसका भी डाल दिया 50,000, और ये सारे के सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, और सिंपल यहाँ पे हम इसको करा देते हैं एक्सेप्ट। तो यहाँ पे सारी हम एंट्रीज कर चुके हैं। अगर आप दोबारा से यहाँ पे बैलेंस शीट देखना चाहें तो बैलेंस शीट के अंदर आपको प्रॉपर सारा इफेक्ट आ जाएगा, और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना चाहें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहाँ पे हमें सक्सेसफुली आ चुका है, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे हमें यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमारा सारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ये सारा हमारा ओपनिंग स्टॉक, देन ये हमारा परचेस, और ये हमारा सेल। तो प्रॉपर यहाँ पे हमने इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहाँ पे सारी आपको डिटेल दिखा दी है। अब इसमें हमारी नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट एंट्री है फिजिकल स्टॉक की एडजस्टमेंट। अब फिजिकल स्टॉक और एक्चुअल स्टॉक क्या होता है, इसकी एडजस्टमेंट किस तरीके से की जाती है वो हम आपको बताते हैं। तो उसके लिए गेटअप ऑफ टैली में रहते हुए यहाँ से स्टॉक समरी में आ जाइए, शॉर्टकट की है एस। तो स्टॉक समरी में आप देखेंगे यहाँ पे जितनी भी हमारी स्टॉक आइटम्स हैं उनका सबका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे शो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे डीजल का शो रहा है, लुब्रिकेंट का शो रहा है, और पेट्रोल का शो रहा है, लेकिन जो हमारी बुक्स के अंदर जो भी क्लोजिंग स्टॉक शो होता है वो सारा हमारा एक्चुअल स्टॉक होता है, और जो पेट्रोल पंप के अंदर हमारे को स्टॉक शो होता है वो हमारा फिजिकल स्टॉक होता है। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमारे को पेट्रोल का एक्चुअल स्टॉक दिखा रहा है, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है हमारी बुक्स के अंदर वो हमें बता रहा है 695 लीटर, लेकिन पेट्रोल पंप के अंदर जो हमारा फिजिकल स्टॉक है उसका क्लोजिंग बैलेंस है वो हमें शो हो रहा है 600 लीटर। तो बीच में यहाँ पे 95 लीटर की शॉर्टेज हो गई, 95 लीटर का डिफरेंस आ गया, तो यहाँ पे इसकी हमें एडजस्टमेंट करनी होगी। किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आप गेटअप ऑफ टैली में रहते हुए इन्वेंटरी वाउचर्स में आ जाइए, और इन्वेंटरी वाउचर में रहते हुए आप अपने कीबोर्ड से ओल्ट प्लस F10 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन के अंदर आ जाएंगे। और फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन वाले वाउचर में रहते हुए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस T टाइप कर दीजिए, जिससे ऊपर की तरफ यहाँ पे पोस्ट डेटेड लिखा हुआ आ जाएगा। अब पोस्ट डेटेड का क्या मतलब है, अब एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे मैं फिजिकल स्टॉक की एडजस्टमेंट 1 अप्रैल में करता हूँ, तो 1 अप्रैल के बाद इसका इफेक्ट आएगा, 1 अप्रैल के पीछे जितनी भी एंट्रीज होगी वहाँ पे वो एक्चुअल स्टॉक ही होगा, यानी 1 अप्रैल के पीछे सारा का सारा स्टॉक 695 लीटर से ही आएगा, लेकिन 1 अप्रैल के बाद जिस दिन मैंने एडजस्टमेंट करी है उसके बाद सारा स्टॉक हमारे को 600 लीटर के हिसाब से शो होगा। तो आइए सिंपल हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ पे ले लेते हैं पेट्रोल, आप देखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस 695 आ रहा है, ये हमारी बुक्स के अंदर एक्चुअल है। देन उसके बाद गोडाउन, तो ये हमारा टैंक 2 के अंदर है। क्वांटिटी, तो अगर हमने पेट्रोल पंप में देखा तो पेट्रोल पंप में हमारे को सिंपल 600 लीटर ही शो रहा है, तो यहाँ पे हम 600 लिखते हुए इसको करा देते हैं एक्सेप्ट, और यहाँ पे ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री सक्सेसफुली हो चुकी है। अगर अब यहाँ पे हम स्टॉक समरी देखते हैं तो स्टॉक समरी के अंदर आपको पेट्रोल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारे को 600 लीटर शो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि पहले हमारे को 695 हो रहा था, लेकिन पेट्रोल पंप में हमारे को 600 लीटर शो रहा है। अब ये शॉर्टेज किसी भी रीज़न से हो सकती है, काफ़ी सारे इसके अलग अलग रीज़न होते हैं, लेकिन जो 95 लीटर की शॉर्टेज थी उसका जो लॉस है वो हमारे को पेट्रोल कंपनी द्वारा दिया जाएगा, ऑयल कंपनी से रिसीव होगा। उसके लिए हमें दोबारा से जर्नल के वाउचर में एक एंट्री करनी होगी, तो उसके लिए आप गेटअप ऑफ टैली में रहते हुए अकाउंटिंग वाउचर में आजिए, शॉर्टकट की V, और यहाँ से जर्नल के वाउचर में आजिए, इसकी शॉर्टकट की है F7। अब यहाँ पे सिंपल बाय के अंदर हमारे को उस ऑयल कंपनी को डेबिट करना होगा, और यहाँ पे जितने का भी लॉस था हमें यहाँ पे वो डाल देना है।
तो यहाँ पे हमारे को 95 लीटर का लॉस हुआ था और उसकी कैलकुलेशन हम किस हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा 95 लीटर था और जो उसका प्राइस था वो हमारा प्राइस था 69 के हिसाब से। तो यहाँ पे प्राइस बन गया 6555। तो यहाँ पे हम 6555 अमाउंट डाल देते हैं और सिंपल जो हमारा 2 है 2 के अंदर यहाँ पे हम एक नया लेजर क्रिएट करेंगे जिसको हम इंसेंटिव कहेंगे और वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी। तो यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेते हैं प्लस सी, ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमें शो हो जाएगा। तो सिंपल इस एंट्री को करा दीजिए एक्सेल। अब यहाँ पे अगर हम दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे सक्सेसफुली आपको इनडायरेक्ट इनकम के अंदर इंसेंटिव शो हो गया। ये हमारा शॉर्टेज का अमाउंट था, जितना भी शॉर्टेज उसके अंदर हुआ था वो हमारे ऑयल कंपनी की तरफ से रिसीव हो जाता है। तो ये थी हमारी पेट्रोल पंप अकाउंटिंग की प्रॉपर अकाउंटिंग। इसके अंदर हमने आपको डिटेल में सबसे पहले थ्योरेटिकली बताया कि पेट्रोल पंप मैनेजमेंट कैसे होता है, कौन से टैक्स लगते हैं। उसके बाद टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आपको डिटेल में बताया कि कैसे लेजर बनते हैं, कैसे एंट्रीज की जाती है, कैसे जीएसटी में उसका इफेक्ट आता है और स्टॉक की एडजस्टमेंट किस तरीके से की जाती है फिजिकल और एक्चुअल के बीच में। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहती है। और अगर आपको हमारी वीडियो को समझाने का भी अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए टैली ईआरपी 9 विद जीएसटी प्लस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रॉपर एक कोर्स लाएं। इस कोर्स के अंदर जो सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो सारी इस तरीके से हैं। सबसे पहले आपको टैली ईआरपी 9 की प्रॉपर बेसिक नॉलेज 80 वीडियोस लेक्चर के साथ प्रोवाइड की जाएगी। इसके अंदर आपको टैली ईआरपी 9 की फुल नॉलेज, जीएसटी की फुल नॉलेज, जीएसटी रिटर्न्स की नॉलेज और बैंक रिकंसिलेशन जैसी नॉलेज के अंदर 80 वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ ही में आपको टैली ईआरपी 9 की एडवांस वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे जिसके अंदर आपको 55 वीडियो लेक्चर्स के अंदर टैली के सारे एडवांस टॉपिक कवर किए जाएंगे, जैसे बिल ऑफ मटेरियल की अकाउंटिंग, पॉइंट ऑफ सेल की अकाउंटिंग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अकाउंटिंग, कैपिटल गुड्स की अकाउंटिंग, जॉब वर्क की अकाउंटिंग, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग, सर्विसेज अकाउंटिंग अंडर जीएसटी, ऑडिट फीस की अकाउंटिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की अकाउंटिंग, कंपोजिशन की अकाउंटिंग, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की अकाउंटिंग, स्कूल मैनेजमेंट की अकाउंटिंग और गोडाउन मैनेजमेंट जैसी अकाउंटिंग के एडवांस टॉपिक 55 वीडियो लेक्चर के अंदर कवर किए जाएंगे। और इसी के साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एडवांस नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर चार्ट प्रेजेंटेशन बनाना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड बनाना मैक्रो की हेल्प से और एडवांस मैक्रो के प्रोजेक्ट्स, एमएस एक्सेल के वीवीए कोड्स वगैरह प्रोवाइड कराना, एमएस एक्सेल के एडिंग फंक्शन प्रोवाइड कराना और एमएस एक्सेल के सारे एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स 50 वीडियो के अंदर कवर किए जाएंगे। और इन सब के साथ आपको प्रोफेशनल जीमेल की नॉलेज भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप जीमेल के अंदर वर्क करते हैं, जीमेल आईडी आपके पास, तो जीमेल के टॉप क्रोम के एक्सटेंशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जीमेल के एडवांस सारे फीचर्स, सिग्नेचर वगैरह और जीमेल की अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सारी आपको वीडियो लेक्चर के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। और इस पूरे कोर्स के साथ आपको टैली ईआरपी 9 की 200 से भी ज़्यादा टीडीएल फाइल्स विद वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी और साथ में जीएसटी से रिलेटेड व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप, ये सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो इस कोर्स की कॉस्ट है 500 रुपये और 500 रुपये के अंदर ये सारी सर्विसेज का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक होगा और आप ऑफलाइन भी इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप 500 रुपये के अंदर ये सारी सर्विसेज लाइफ टाइम रिसीव कर सकते हैं। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से काफ़ी इंक्रीज करना चाहेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।